हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। एंड आज हम लोग जो ट्रेन चलाने वाले हैं वो है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। ये नेम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि बहुत ही फेमस ट्रेन है ये। एंड ये शायद सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया का, है ना। गतिमान एक्सप्रेस के बाद ये शायद सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया का, क्योंकि इसको तो मैक्स परमिसेबल स्पीड इसका 150 तक है एंड गतिमान का 160 है। तो शताब्दी ट्रेन्स को जनरली 130 का मिलता है मैक्स परमिसेबल स्पीड, लेकिन इसका तो 150 तक दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है वडोदरा का वैप 5 गौरव। तो ये ऑफ लिंक है, इसको जनरली गाजियाबाद का वैप 5 मिलता है इस शताब्दी को, लेकिन मैंने एक ऑफ लिंक लगाया। एंड ये जो लोको है, आप इसका मॉडलिंग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छे से इसका जो मॉडलिंग बनाया गया है। एंड ये मॉडल बनाया है आपका अमरजीत सिंह फ्लोरा जी ने, काफ़ी शानदार मॉडल बनाया है, आप देख ही सकते हैं। साइड में आपने नोटिस किया कि एक वैप 4 गया, उसके साथ शायद कोई एक और लोको था, पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। अगर आपने नोटिस किया तो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा लोको था। तो अभी हम लोग जो स्टेशन में है वो है ललितपुर। तो इस ललितपुर स्टेशन में हम लोग रुकने ही वाले हैं, थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि यार पता ही है आपको कि मैं इतना एक्सपर्ट पायलट हूँ नहीं। ये ट्रेन रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। चलिए गाइस देखते हैं। अभी मैं अपना ट्रेन को रोक चुका हूँ यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही दूर आके रोक दिया गाइस, देख सकते हैं। पीछे चलता हूँ, सामने फिर से आता हूँ। ये वडोदरा का वैप 5 के साथ हमारा शताब्दी। अभी यहाँ के बाद से जो है हम लोग सही सही चलेंगे, ठीक है। वो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होता ही है, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दिया मैंने। चलो अभी देखते हैं आगे क्या क्या क्रॉसिंग समय मिलती हैं। शायद कोई ट्रेन आ रहा है, मेरे को हॉर्न सुनाई दे रहा है उस ट्रेन का। आपको सुनाई दे रहा है क्या? अब आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। वो देखिए वहाँ पे डीजल लोको के साथ EMD लोको है। EMD लोको के साथ ये क्या लिखा हुआ है, फ्राइट 1, मतलब कोई फ्राइट ट्रेन है जो कि आ रही है। एंड हमारा यहाँ से डिपार्ट करने का वक्त हो गया है, तो चलो गाइस हम लोग डिपार्ट करते हैं। डबल EMD लोको है, बड़ा मस्त लग रहा है ना। मेरे को तो अभी ऐसा लगा कि एक रियल फ्लाइट ट्रेन क्रॉस कर रही है। मेरे को मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अभी ऐसा ही लगा। एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है। चलो अभी हमारा स्पीड लिमिट हमको 120 तक का दिया गया है, तो हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। फ्लाइट देखिए आप, डबल कॉनकोर भी था इसके साथ, लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखिए हिंदी में लिखा हुआ प्रथम वातानुकूलित कुर्सी यान, मतलब फर्स्ट क्लास है ये। देखिए फर्स्ट क्लास का जो इंटीरियर है ये कुछ ऐसा टाइप का है, रेड कलर के जो है सीट्स मिलेंगे, ऊपर में AC वेंट्स है। ठंडा हवा आ रही है आपको? वैसे अभी तो यार रेनी सीजन आने ही वाला है, तो ठंडी हवा का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा शायद। अच्छा ये इसके व्हील्स भी बड़े मस्त लग रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक जैसे ही लग रहा है। क्या कहते हैं, रियल लग रहा है क्या? रियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हद तक रियल है, इतना कह सकते हैं। तो चलो अभी आगे चलते हैं। सामने कोई एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, मुझे यहाँ से इसका ये दिख रहा है, क्या कहते हैं, इसका नेमिंग दिख रहा है मेरे को यहाँ से। वैप 5 थोड़ा धीरे धीरे एक्सेलरेट करता है, अगर वैप 7 होता तो यार बहुत जल्दी जल्दी एक्सेलरेट कर लेता। अच्छा कोई वैप 4 है, वैप 4 के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, कोई अननोन एक्सप्रेस है, नेम मेरे को नहीं दिख रहा। क्रॉस कर रही है हमको, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और एक्सेलरेट करते हैं। कर्व पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एंड गाइस मैं आपको आज एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो रूट है ये है आपका IR V2 रूट, इंडियन रेलवेज V2 रूट। आपने नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये रूट भी बहुत ही ज़्यादा फेमस रूट है। एंड इसमें सीनरी वगैरह बहुत ही अच्छा किया गया है, अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो है ना सीनरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है, जितना हो सके उतना डिटेलिंग किया गया है। बहुत ओल्ड रूट है लेकिन फिर भी बहुत सारा सीनरी है। बस इसका जो प्रॉब्लम एक ही था कि कहीं कहीं जो है नीचे का ग्राउंड मिसिंग होता है,
तो वो आप खुद भी फिक्स कर सकते हो उसको। पूरी तरह से तो फिक्स नहीं होगा वो, लेकिन कुछ हद तक फिक्स हो जाता है वो। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश करके देखिएगा। एंड यूट्यूब में आपको वीडियो भी मिल जाएगा कैसे फिक्स करते हैं, आप सर्च करके देखिएगा। एंड साइड में फिर से एक वैप 4 के साथ एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है, मस्त लग रहा है गाइस एकदम। कर्व पे ऐसा क्रॉस कर रही है एकदम, ये नज़ारा बहुत मस्त है। चलो हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है भोपाल जंक्शन। तो भोपाल जंक्शन जाने में हमको अभी और 23 किलोमीटर्स लगेंगे। एंड सिग्नल तो हमको ग्रीन ही दिया गया। चलो स्पीड थोड़ा डिक्रीज करते हैं क्योंकि 80 का स्पीड लिमिट दिख रहा है सामने ट्रैक मॉनिटर पर। अगर आप देखेंगे तो आपको 80 का स्पीड लिमिट दिख रहा है। अरे मैं हॉर्न बजाना भूल गया, स्टेशन से क्रॉस कर रहा हूँ, हॉर्न नहीं बजाया मैंने। साइड में एक और ट्रेन आ रही है, दिख रहा होगा आपको, झेलम एक्सप्रेस। अच्छा अभी आने ही वाली है, अभी आई नहीं है, आने वाली है। इस रूट में आपको कर्व्स बहुत सारे मिलेंगे, मतलब कर्व कर करके कंप्रेस रूट है ना, तो इसको कर्व कर करके बनाया गया। टर्न ले लेके इसका जो है बनाया गया पूरा इसका रूट। रियल डिस्टेंस नहीं है, कंप्रेस्ड है। चलो गाइस बहुत ही ज़्यादा फिर से डिक्रीज हो गया हमारा स्पीड। साइड से झेलम एक्सप्रेस आ रही है, एकदम हॉन्क करते हुए आ रही है। फिर से मस्त लग रहा है वैप 7 के साथ झेलम एक्सप्रेस। वैप 7 पता नहीं कौन से शेड का था, आपने देखा क्या? अगर देखा होगा तो मेरे को बता सकते हैं। हमारा स्पीड अभी 80 का है, लेकिन मैं 46 पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और एक्सेलरेट करता हूँ, ठीक है। क्रॉसिंग्स बहुत सारे हो रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:44, तो इस वक्त यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इतना सारा क्रॉसिंग्स हो रहा है। सामने कोई स्टेशन आ रहा है, बहुत बड़ा स्टेशन लग रहा है। हाँ बीना जंक्शन, जंक्शन है भैया, तो मेरे को स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए क्योंकि जंक्शन है भैया। स्पीड आगे दिख रहा है आपको 55 का लिमिट है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना मेरे को और डिक्रीज करना पड़ेगा। यहीं से मैं डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। 65 पे थे हम लोग, अभी हम लोग 55 पे उतरने वाले हैं। साइड से एक और ट्रेन आ रही है जिसका नाम है तिरुनालवेली श्री माता वैष्णो देवी काटरा एक्सप्रेस। अच्छा ठीक है, वैप 4 है, हाँ वैप 4 ही है। वैप 4 के साथ एक्सप्रेस ट्रेन हमको क्रॉस कर रही है। लगता है साइड वाले ट्रेन ने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं क्योंकि ब्रेक्स के जो विंड नॉइज़ होता है ना वो आ रहा है, ठीक से सुनिए। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि साइड वाले ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई किया था। फिर से एक बहुत ही शार्प कर्व है, सामने बहुत सारे ट्रेन्स जो है आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से मैं कैमरा को कुछ ऐसा रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है सारे ट्रेन्स दिखे सामने, मतलब इस स्टेशन में जंक्शन है भैया, बहुत सारे ट्रेन्स तो मिलना है, बनता ही है, तो कैमरा को ऐसा रखना ही ठीक होगा। हमको सामने येलो सिग्नल दिख रहा है, वो देखिए दूर में सामने देखिए येलो सिग्नल दिख रहा है। अभी तक हमको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। वैसे येलो सिग्नल का मतलब ही स्लो जाना होता है एंड स्पीड लिमिट भी कम है यहाँ पे। अच्छा चलो ग्रीन सिग्नल हमको मिल चुका है, अभी हम लोग एक्सेलरेट करेंगे जैसे ही हमको स्पीड लिमिट मिलेगा। ये देखिए हमारे ये वैप 4 महाराज चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे। क्या हो गया यार आपको, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? लगता है यार कुछ गड़बड़ हुआ है उसमें, चुपचाप खड़ा क्यों है। इस साइड में ये वैप 7 हॉक एंड उसके उस साइड में एक एल्को भी खड़ा है। उस साइड में कुछ स्टैटिक आईसेप कोचेस दिख रहे हैं। इस साइड में एक जनशताब्दी का रेक, यार इस साइड में जनशताब्दी तो नहीं होते जहाँ तक मेरे को लगता है, लेकिन ये जनशताब्दी का रेक यहाँ पे कैसे आ गया पता नहीं, कुछ होगा। स्टेशन में अनाउंसमेंट चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? किसका अनाउंसमेंट हो रहा है? साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस का जो है स्टेशन का अनाउंसमेंट चल रहा है। देखते हैं हमारे साइड वाले बाबूजी का कौन सा लोको लगा हुआ है। अच्छा ये वैम 4 लग रहा है मेरे को, हाँ वैम 4 ही होगा। स्पीड हल्का सा बढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्लो गया फिर से।
इस साइड में क्या है, इस साइड में बहुत सारे ट्रैक्स एंड फिर से एक वेब 7 हॉग एंड एक EMD भी है यहाँ पे। दोनों रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर यार रेस्ट कर रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। जंक्शन है भैया, बिजी होना चाहिए, लेकिन आज सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। संडे है क्या आज? वैसे संडे हो या मंडे, इन लोगों का तो कभी रेस्ट होता ही नहीं है, हर वक्त इन लोगों का काम करना होता है। चलो अभी हम लोगों को जो है 120 का स्पीड लिमिट मिलने ही वाला है, तो हम लोग जो है हमारा जो थ्रॉटल है ना इसको बढ़ा देते हैं, 70% तक करके रखते हैं। हाँ 70% तक ठीक है। चलो यार इतना धीरे धीरे अच्छा नहीं लग रहा था ना, क्या कहते हो? मुझे तो यार शताब्दी चला रहे यार इतना धीरे धीरे मेरे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा फास्ट करने के बाद पता चलेगा कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है। अभी और 19 किलोमीटर्स बचे हैं, सामने 120, उसके बाद 110, उसके बाद फिर से 120 का स्पीड लिमिट दिख रहा है। जहाँ पे 110 का स्पीड है ना, मैं वहाँ पे रूल्स नहीं मानने वाला हूँ, मैं 120 पे ही चलाने वाला हूँ। अच्छा साइड में कोई ट्रेन आ रही है, मादुराई देहरादून सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा इसका भी वेब 4 है यार, वेब 4 यार बहुत ही कॉमन है, आपको तो पता ही है वेब 4 सबसे सक्सेसफुल लोकोमोटिव है पैसेंजर ट्रेन में, तो ज़्यादातर ट्रेन को जो है वेब 4 ही मिलता है। हल्का सा कर्व पे देखिए, पहले लेफ्ट साइड कर्व जा रही है एंड उसके बाद फिर से राइट साइड कर्व। चलो हम धीरे धीरे जो है स्पीड इंक्रीज हो रहा है हमारा, 80 पर आ गए हैं, पीछे चलते हैं। यह है वातानुकूलित कुर्सी यान, मतलब नॉर्मल जो चेयर कार होता है ना, एसी का चेयर कार, वो ही है नॉर्मल। चलो फिर से सामने चलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा लोको के पास जाएंगे, ठीक है गाइस? आ गए हम लोग लोको के पास, यहाँ से ट्रैक साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। BRC का यहाँ पे सिंबल भी लगाया हुआ है। इसका जो टेक्सचरिंग है ना काफ़ी शानदार किया गया है, अच्छे से आप देख सकते हैं, मैं एकदम पास से दिखा रहा हूँ, देखिए आप अच्छे से। कोई स्टेशन आ रहा है, हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, कौन सा स्टेशन है, क्या नेम है, मंडी बमोरा ऐसा ही कुछ है। मंडी बमोरा स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एकदम 98 के स्पीड में। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग 120 के स्पीड में क्लाइम करते हैं, हमारा थ्रॉटल को जो है 100% पे कर देते हैं। लाइट जला दूं? चलो जला दिया हेडलाइट्स, बंद कर देता हूँ यार, अभी सुबह का दिन है। हाँ ये हल्का वाला हेडलाइट्स ठीक है, बंद हो गया, और एक बार चलाता हूँ। हाँ ये हल्के वाले ठीक है। चलो अभी वापस मैं पीछे चलता हूँ, अभी यहाँ से ट्रैक साउंड सुनाई दे रहा है। अभी हम लोग 120 के स्पीड में क्लाइम करने ही वाले हैं, 118 हो गया, 119 हो गया, अभी 120 हो ही जाएगा। चलो मैं थ्रॉटल को जो डिक्रीज करना चालू कर दिया हूँ एंड थ्रॉटल को भी 40% तक रखता हूँ, ठीक है गाइस? सामने स्टेशन आ रहा है गंज बसोदा, यही प्रोनाउंसिएशन है ना, गंज बसोदा। मैंने इस साइड कभी नहीं आया हूँ मैं इस साइड, तो मेरे को कुछ खास पता नहीं है। अगर आपको पता होगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मेरे को बता सकते हैं। स्टेशन के अंदर एक शार्प कर्व है जिसको कि हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, सिग्नल हमको पूरा ग्रीन मिला है। सामने एक ट्रेन आ रही है, आपको दिख रहा होगा, स्लिप मदुरई चंडीगढ़, अच्छा एक स्लिप ट्रेन है, वो ट्रेन आ रही है। LHB लगता है ना, यहाँ का स्पीड लिमिट 100 था लेकिन मैं तो यार 120 में ही पड़ा हूँ अभी तक। मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमको क्रॉस कर रही है अपने LHB फॉर्म में, ये ट्रेन की LHB हुई है, पता नहीं यार मैंने LHB इसको दे दिया यार। गेम में चलता है यार, इतना तो आप चला ही लोगे ना, गेम में ये सब कुछ चलता है यार। MSTS है भाई अपना, MSTS में ओपन रेल्स है। चलो अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मस्त लग रहा है व्यू। शताब्दी एक्सप्रेस लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। थ्रॉटल को 45 तक रखता हूँ क्योंकि हमारा स्पीड जो है 115 पे आ गया है और डिक्रीज होते जा रहे थे, इसलिए मैंने थ्रॉटल को जो हल्का सा बढ़ा दिया। सीनरी वगैरह मस्त लग रहा है, मौसम भी बड़ा साफ है। अभी तो यार बारिश हो रहा है, मतलब मैं अपने घर के पास बात कर रहा हूँ, घर के पास मेरा बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम साफ सुथरा मौसम है।
सामने स्टेशन आ रहा है विदिशा स्टेशन, इसको हम लोग स्किप करने वाले एकदम पूरे 114 के स्पीड में। थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा थ्रॉटल आई थिंक। हॉर्न नहीं बज रहा है क्या? हाँ बज रहा है, मुझे लगा यार हॉर्न नहीं बज रहा है। विदिशा स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, स्पीड हमारा अभी तक जो है स्लो ही है। वाओ ट्रैक साउंड्स बड़े मस्त आ रहे हैं ना, क्रॉसिंग के साउंड्स बड़े मस्त आ रहे हैं। साइड में सिग्नल क्या है? रेड है, अभी कोई ट्रेन आने वाली है नहीं अभी। सामने एक और स्टेशन दिख रहा है सांची स्टेशन। अच्छा इस साइड में एक फ्राइट थी ईएनडी के साथ, इसको वेट करने के लिए रखा गया है ताकि हम लोग इसको ओवरटेक कर सके। ऐसा ही रखता हूँ कैमरे को ठीक है गाइस, क्योंकि कौन सा ट्रेन है ना है वो सब कुछ पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। गाइस स्पीड अभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो हमको जो है अपना ये थ्रॉटल कम करना चाहिए एंड स्पीड को जो है ना धीरे धीरे डिक्रीज करना चाहिए। थ्रॉटल को मैं 20% में रख देता हूँ ठीक है गाइस। अभी धीरे धीरे जो है माउंटेन्स आने शुरू हो गए। माउंटेन वाला यार एक्शन बड़ा मस्त होगा, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं इस साइड में पहले कभी नहीं आया था, मेरे पास IRV2 रूट था लेकिन मैं इस साइड कभी जर्नी के लिए नहीं आया था। ये पहली बार है जब मैं ये भोपाल साइड में आ रहा हूँ जर्नी के लिए, वो भी भोपाल शताब्दी के साथ। यार मैंने को यार एक बार में नौकरी दे भी तो एकदम डायरेक्ट शताब्दी में। यार पता नहीं यार मेरे जैसे नौसिखिए पायलट को कैसे दे देते हैं इतने हाई फाई ट्रेन्स को हॉल करने के लिए। चलो हम लोग जो है स्पीड लिमिट के अंदर में आ चुके हैं, 79 हमारा स्पीड हो चुका है एंड 80 का स्पीड लिमिट है यहाँ पे। फिर से एक कर्व, अच्छा इसके बाद फिर से लेफ्ट में जाना है कर्व में। कर्व ही कर्व है, मैंने बोला था ना यार इस रूट में बहुत सारा कर्व मिलेगा आपको। ये देखिए स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, 60, मतलब 60 का स्पीड लिमिट है एंड हम जा रहे हैं 78 पे। चलो चलो फटाफट ब्रेकिंग करते हैं अभी डिरेल ना हो जाए। नहीं वैसे ये MSTS नहीं है, MSTS होता तो अभी तक डिरेल हो चुका होता। ये ओपन रेल्स है, ओपन रेल्स में डिरेल वाला फीचर जो है ना वो अभी तक दिया नहीं गया, तो चाहे जैसे मर्जी जैसे भी चला लो ये ट्रेन कभी भी डिरेल नहीं होने वाली है ओपन रेल्स में। लेकिन MSTS में अब रूल्स वगैरह ब्रेक करके चलाओगे ना तो आपका ट्रेन जो है ना एकदम डिरेल हो जाएगी पूरा। ओपन रेल्स में ऐसा नहीं है, ओपन रेल्स में जैसा मर्जी वैसा चलाओ। सामने एक कोई ट्रेन आ रहा है, एक स्टेशन भी आ रहा है दीवानगंज, और जो ट्रेन आ रहा है वो है फ्राइट ट्रेन है, पाइथन फ्राइट। अच्छा पाइथन फ्राइट है, मतलब बहुत ही लंबा फ्लाइट होने वाला है, देखते हैं कैसा फ्लाइट होता है। कर्व भी एलिवेशन बड़ा मस्त है ना, गेम में भी ऐसा होता है तो यार कुछ हद तक रियलिस्टिक लगता है। पाइथन फ्राइट आ रही है, देखने के लिए रेडी रहो। कौन सा लोको है गेस कर पा रहे हैं यहाँ से? ये है WDM मतलब एल्को लोको है, हॉर्न बजाते हुए ट्विन एल्को लोको थे। कोल फ्राइट, अच्छा कोल फ्राइट है, क्रॉस कर रही है कोल फ्राइट। अच्छा एक और लोकोमोटिव मतलब पाइथन फ्राइट में दो फ्राइट्स एक साथ होते हैं ना, तो इसमें भी और एक फ्राइट है जिसका कि EMD लोको लगा हुआ है। हॉर्न सुनाई दे रहा है आपको? वो देखिए चला गया एंड पीछे ऑयल टैंकर लगे हुए हैं। चलो हमको फिर से 120 का स्पीड लिमिट वापस मिल गया है तो हम लोग फटाफट से एक्सेलरेट करते हैं फिर से ठीक है गाइस। थ्रॉटल को 85 में रख देता हूँ एंड अभी सामने चलता हूँ। ये देखिए हम लोग एंट्री मार रहे हैं पहाड़ वाले इलाके में एंड अभी हम लोग थोड़ा सा स्लोप चढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो है थोड़ा सा ऊँचे में उठ रहे हैं। 5 प्रेस करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हम लोग जो है थोड़ा सा ऊँचे में उठे हैं, फिर से मैं हम लोग हल्का सा नीचे उतर रहे हैं एंड दूर में जाके फिर से हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। यार ये वाला जगह बड़ा मज़ेदार है यार, आपको एकदम ट्राई एक बार करना ही चाहिए। वो देखिए दूर में हाई टेंशन के जो लाइन्स है वो भी दिख रहे हैं। कह रहा हूँ ना मतलब जितना डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं ना उतना किया गया है इस रूट में। ये देखिए हम लोग फिर से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, फिर से ऊपर उठे हैं, फिर से नीचे उतर रहे हैं हल्का सा। खतरनाक खतरनाक जगह है यार, MSTS में होता ना पक्का डिरेल हो जाता अभी तक। चलो सामने 60 का स्पीड लिमिट दिख रहा है, जैसे हम लोग पास पहुंचेंगे हम लोग डिक्रीज करना चालू कर देंगे हमारे स्पीड को। सामने जो स्टेशन है वो क्या स्टेशन है, क्या स्टेशन है इसमें नेम ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ।
फड़ा घाट, पता नहीं यार कैसा टाइप का नेम है, फड़ा घाट। मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक किया कि नहीं आप मेरे को बता सकते कमेंट से? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ठीक किया है, मुझे लगता है मैंने पूरा गलत किया है प्रोनाउंसिएशन। स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एकदम 75 के स्पीड में, सामने 60 का स्पीड लिमिट दिख रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड जो है मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, स्पीड में बढ़ाऊँगा नहीं। और सामने खतरनाक शायद होंगे, ये देखिए स्लोप बड़ा खतरनाक लग रहा है सामने, इस साइड चलता हूँ गाइस, ठीक है। ओ देखिए हमारा जो ट्रेन है एकदम ऊपर चढ़ाई कर रही है, बड़ा मस्त लग रहा है गाइस, ये व्यू बड़ा मस्त लग रहा है। फिर से हम लोग ऊपर चल रहे हैं, अभी हम लोग फिर से नीचे उतर रहे हैं, मस्त है गाइस, मस्त है एकदम, जो फीलिंग है ना वो बड़ा मस्त आता है यहाँ पे। चलो हम लोग हमारा स्टेशन को जो अप्रोच करने ही वाले हैं, तो और स्पीड ज़्यादा बढ़ा के और कोई फ़ायदा नहीं है। सामने अच्छा इस साइड से कोई क्रॉसिंग हो रहा है, अनन्या एक्सप्रेस है शायद, नहीं पंजाब मेल है, ऑफ लिंक के साथ था, कौन सा लोको था आपने देखा क्या? मैंने ठीक से नोटिस नहीं किया, बता सकते हैं आपको, पता होगा तो, ऑफ लिंक था इतना मेरे को मालूम है। साइड में ये कौन सा स्टेशन है, सुकी से वानियन, बहुत हार्ड है प्रोनाउंसिएशन करना यहाँ का। साइड में कोई ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ये खड़ी है, EMD लोगों के साथ खड़ी है, हमको सिग्नल आगे दिया गया है ताकि हम लोग इसको ओवरटेक कर सकें, एंड हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं 94 के स्पीड से। चलो फिर से यहाँ पे चलते हैं, सामने स्टेशन जो दिख रहा है वो है निशतपुरा, इसको भी हम लोग स्किप करने वाले हैं शायद 100 की स्पीड में, मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है गाइस, क्योंकि सामने हमारा जो है स्टेशन आ रहा है, हमको रुकना है, ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो यार फिर से पहले वाला स्टेशन के जैसा हो जाएगा, मतलब मैं ये नहीं कर पाऊँगा फिर, रोक नहीं पाऊँगा ट्रेन को। चलो मैं ब्रेक्स लगाना चालू कर देता हूँ, एंड ब्रेक्स अभी लगा चुका हूँ मैं, बाहर चलता हूँ, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रहा है क्योंकि सामने ये जो स्टेशन है इसमें ना, मतलब भोपाल जंक्शन है भैया, बड़ा स्टेशन है बहुत ही, तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। वो देखिए इस साइड में एक फ्लाइट खड़ी, आपको दिख रहा होगा कोल फ्लाइट है, वेट कर रही है, एंड हमको सिग्नल दिया गया 70 स्पीड, ठीक है गाइस, यहाँ तक रहने देता हूँ मैं। तो निशत पूरा स्टेशन को हम लोग जो है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे साइड में एक और फ्लाइट है, ऑयल टैंकर फ्लाइट, इसको कि उस साइड में लूप किया गया है डाउन लाइन में ओवरटेक्स फेस करने के लिए। तो निशत पूरा स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से इस साइड में ये वाला फ्लाइट दिख रही है। चलो आप यहीं पे वेट करो, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा नहीं और नहीं आऊँगा अभी, आप तब तक वेट करो, मैं आपको ओवरटेक करके मज़े लेता हूँ। वैग 9 के साथ, रेड कलर का वैग 9 था ना, नीचे से रोड जा रहा है, स्पीड को अब बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा गाइस, मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा इस साइड में एक ट्रेन खड़ी है एल्को लोको के साथ, वेटिंग में भोपाल जंक्शन में, इसको होम सिग्नल में इसको क्लियर नहीं मिला, शायद इसका ट्रैक चेंज वगैरह होने वाला है, तो डिटरमाइन करने के लिए इसको रोका गया। हमारा भी ट्रैक चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, एंड स्पीड लिमिट जो एकदम 10 किलोमीटर पर आवर है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग ब्रेकिंग कर लेते हैं ताकि स्पीड हमारा डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है गाइस। बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको फिर से, अच्छा उस साइड में एक WDG4 खड़ा था, आपने देखा कि नहीं, यहाँ फिर से एक वैप 7 हॉक, लेफ्ट साइड में एक वैप 4 आइडल, एंड यहाँ से एक वैप 4 अभी भोपाल जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। बड़ा मस्त सीनरी है गाइस, मस्त लग रहा है, एंड यहाँ पे WDM3 या 3D पता नहीं कौन सा है, एल्को के साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है, ट्विन एल्को है यार, एल्को देखते हैं ना तो मज़ा आ जाता है यार, एल्को बोलो EMD बोलो, देखता हूँ ना तो मेरे को मज़ा आ जाता है, क्योंकि मेरे साइड में ना ये नहीं चलते हैं, मेरे साइड में एल्को चलते हैं, EMD नहीं चलते। पहले तो यार वैप 7 भी नहीं चलता था, अभी एक साल पहले मेरे साइड में वैप 7 अलॉटेड हुआ, पहले तो मैं सिर्फ वैप 4 देखता था, जब भी कोई एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जर्नी करता था तो सिर्फ और सिर्फ वैप 4, लेकिन अभी वैप 7 दिखता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे साइड में एक गरीब रथ है, गरीब रथ ट्रेन यहाँ पे वेट कर रही है, एंड हम लोग धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं स्टेशन में। स्टेशन में अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हो रहा है, हो रहा है,
कौन से प्लेटफॉर्म पे दिया गया, शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोगों को दिया गया है भोपाल जंक्शन के। एक बार हॉर्न मारना तो बनता ही है। यहाँ पे पाइपलाइंस वगैरह है, किसी को प्यास लगा है तो यार पी लो यहाँ से पानी। यार बिल्कुल शुद्ध पानी है यार, एकदम पूरा एकदम शुद्ध प्योर पानी है, पी लो यहाँ से। आपका प्यास एकदम तुरंत चुटकी बजाए तो आपका प्यास जो एकदम बुझ जाएगी पानी पीने से। चलो अभी थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। हाँ यहाँ पर ठीक है। अच्छा अनाउंसमेंट हो रहा है, मेरे को अभी सुनाई दे रहा है। तो पूरा ट्रेन को जो है घुसना है तो स्टेशन में, उसके बाद हम लोग जो है तुरंत रोक देंगे। ठीक है, एक बार पीछे से देख लेता हूँ घुसा कि नहीं पूरा ट्रेन। हाँ गाइस घुस चुका है, तो चलो फटाफट रोक देते हैं हमारे ट्रेन को। रुक जा भाई, रुक जा भैया, सामने रेड सिग्नल है, रुक जा रुक जा रुक जा। यार फिर से मरवाएगा क्या पूरी शताब्दी जैसा? नहीं 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 नहीं, चलो बचा लिया यार। मुझे लगा यार मैं इस बार भी सिग्नल तोड़ने वाला हूँ। यार बच गया, अभी एक मिनट का स्टॉपेज दिख रहा है। यहाँ पे आने का टाइम था 12 बजे का, एंड हम यहाँ पे पहुँचे 12:03 बजे। 12:03 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। वो 3 मिनट लेट है यार, चलता यार, इतना तो यार आप चला ही लोगे। अभी देखना ये है कि हबीबगंज पे हम लोग कब पहुँचते हैं। हबीबगंज पे 12:12 का टाइम दिया हुआ है, देखते हैं वहाँ पे हम लोग कब तक पहुँच पाते हैं। ठीक है चलो, अभी कोई अच्छा एक और ट्रेन आ रहा है जो कि भोपाल जंक्शन को शायद स्किप मारने वाली है। कौन कौन सा ट्रेन है यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा शताब्दी है, यहाँ पे एक गरीब रथ है, एंड यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है, एंड इस साइड में भी एक एक्सप्रेस ट्रेन है। एंड इस साइड का जो ट्रैक है वो पूरा क्लियर है, कोई ट्रेन नहीं है वहाँ पे। तो ये वैब 4 के साथ एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, पता नहीं कौन सा ट्रेन है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है ये है अंदमान एक्सप्रेस, वैब 4 के साथ क्रॉस कर रही है स्टेशन को, एंड हमारा यहाँ से डिपार्चर का वक्त बस होने ही वाला है। मैं थ्रोटल को 5% करके रख देता हूँ, एंड जैसे ही टाइम होगा हम लोग ब्रेक रिलीज करके तुरंत चलेंगे। ठीक है, अच्छा अभी और 30 सेकेंड्स बाकी हैं। चलो इस साइड में देख के आता हूँ क्या क्या है। इस साइड में कुछ है क्या यार? सीनरी बड़ा मस्त है यार, चाहे जो भी कहो आप, सीनरी बड़ा मस्त है। अच्छा तो इस साइड में कार पार्किंग का जगह भी दिया गया है यहाँ पे। तो यार आप में से कोई कार लेके आया है क्या? तो यहाँ पे पार्क कर दो सिंपली, इतना अच्छा जगह है यार, आप यहाँ पे पार्क कर दो, आपका कार एकदम पूरा सेफ रहेगा, एकदम सुरक्षित रहेगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, एकदम अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन तब तक मैं जो है ट्रेन लेके यहाँ से डिपार्ट कर लूँगा, हमारा टाइम हो चुका है। तो चलो फिर डिपार्ट करते हैं, देर किस बात की। चलो फिर डिपार्ट करते हैं। धीरे धीरे जो है हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं। इस साइड में चलो गाइस, इस साइड में देखते हैं, ये ट्रेन हमको क्रॉस कर रही है। वैबपुर भुसावल लगा हुआ है इसमें। एंड गार्ड जी क्या हाल है जी, कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अरे जवाब तो दे यार, ये लोग जवाब भी नहीं देते हैं, पता नहीं यार कैसे कैसे अजीब आदमी है यार, जवाब भी नहीं देते हैं ये लोग। यार मैं इतना अच्छे से पूछा है, कुछ तो जवाब देना चाहिए ना, जवाब भी नहीं देते हैं ये लोग। चलो छोड़ो, हमें क्या, हमको तो पहुंचाना है हमारे स्टेशन तक, गंतव्य स्थल तक, जो कि है हबीबगंज। हबीबगंज शताब्दी को हमको मिला है, हॉल करने के लिए हमको मौका मिला है, तो चलो हॉल करते हैं। हॉल तो कर ही चुके हैं, बस इसका 3 किलोमीटर का इसका जो है जर्नी बाकी है। यहाँ से हम लोग ज़्यादा जो है स्पीड नहीं करेंगे, हमारे ट्रेन साइड वाला ट्रेन जो है ये धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ रहा है। ये है हमारा जनरेटर कार, गार्ड का कार, गार्ड साहब का कार, और क्या कहना है। इस साइड में वॉल्स वगैरह लगे हैं, ट्रीज वगैरह लगे हैं, अच्छा अच्छा हवा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे दिखाने के लिए ये है, यहाँ पे 2 अल्को लोको खड़े हैं, आइडल है। एंड वहाँ पे फिर से एक वेब 7 हॉक, यार वेब 7 हॉक बहुत सारा दिख रहा है आज। कितना सारा वेब 7 हॉक देखे हम लोग आज। आप लोग
आपको याद है तो मेरे को कमेंट्स में बताना है कितना सारा हुआ। और एक वेब फोर भी स्टैटिक खड़ा है एंड यहाँ पे एक उद्योग कर्मी एक्सप्रेस है जो कि खड़ी है। यहाँ पे सिग्नल नहीं मिला इसको कि भाई यहाँ से जाने वाले, अरे यार इसको तो येलो सिग्नल मिला है तो ये जा क्यों नहीं रही है। अच्छा अच्छा धीरे धीरे जा रही है, मेरे को लगा ये रुकी है। नहीं नहीं धीरे धीरे जा रही है ये ट्रेन, एलएचबी ट्रेन है। ये जगह बड़ा शानदार लगता है जब कर्व पे ना कोई दोनों ट्रेन के क्रॉसिंग होता है एक दूसरे ऑपोजिट साइड में तो बड़ा मस्त लगता है। रियल वर्ल्ड में भी मस्त लगता है एंड गेम में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मस्त लग रहा है ये पेंट्री कार चले जा रहा है। यार भूख लगे किसको यार, दो दो पेंट्री कार इसमें, यार एक लूट लो यार जल्दी जल्दी लूट लो यार, किसको लूटना है जल्दी जल्दी लूट लो यार। भाग गया यार वो पेंट्री कार तो चला गया यार, अभी क्या लूटोगे, पहले सोचना चाहिए था। चलो अभी हमको येलो सिग्नल मिला है CFWL, हमने हॉन्क नहीं किया। इस सिंबल का मीनिंग है कि आपको हॉर्न बजाना है, जहाँ पे ये WLCFA लिखा रहेगा जहाँ तक मेरे को लगता है इस सिंबल का मीनिंग ही ये है कि आपको हॉर्न बजाना है। चलो जल्दी जल्दी एक्सेलरेट करते हैं, बहुत हो गया नाटक। अभी 36 किलोमीटर में है, 120 का लिमिट है, 120 पे तो हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि 120 पे फिर से जाएंगे ना तो अभी 2 किलोमीटर बचा है हबीबगंज पे, तो वहाँ पे हम लोग रोक नहीं पाएंगे ट्रेन को। और एक ट्रेन आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ऑफिशियल बिल्डिंग है। किसका बिल्डिंग है यार, आप में से किसी का बिल्डिंग है क्या? मालिक कौन है इस बिल्डिंग का? पता नहीं यार, ऐसे ही पड़ा हुआ है क्या ये बिल्डिंग या फिर इसमें काम वाम होता है? यार वो तो यार आपको पता होगा यार, आप में से जो मालिक है उनको पता होगा। चलो यार बकवास बाद में करूँगा फिर से, अभी ट्रेन चलाता हूँ। तो यार फिर से स्पीड लिमिट ब्रेक नहीं, अभी स्पीड लिमिट ब्रेक करने के कोई चांसेस है नहीं क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं अभी धीरे धीरे चलाऊँगा, ज़्यादा जोर नहीं करूँगा ट्रेन। फिर भी यार थ्रॉटल को 60% हाँ 60% तक ठीक है, क्या कहते हो? अंदर में चलते हैं, लोगों के अंदर में कुछ ऐसा लग रहा है, हॉर्न बजाने से कुछ ऐसा सुनाई देता है, कैसा टाइप का लग रहा है? लग रहा है कि कोई खास रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोगों खास रहा है, अंदर से ऐसा लग रहा है। चलो बाहर चलते हैं, फिर से कोई ट्रेन आ रही है, इसका क्रॉसिंग देखना है। वैप 4 के साथ कोई स्पेशल फेयर ट्रेन है, मुंबई LKOs मुंबई लखनऊ स्पेशल फेयर LHB के साथ जा रही है। एंड स्पीड हमको डिक्रीज करना है क्योंकि हमारा जो है बहुत सारे ट्रैक चेंज होने वाले हैं। आपको सामने ट्रैक मोड पर दिख ही रहा होगा यार, टाइट ब्रेकिंग करनी पड़ेगी नहीं तो यार 40 की स्पीड में ट्रैक चेंज नहीं कर सकता मैं, बेकार है, वो गाली नहीं सुनना है पैसेंजर से। चलो अभी ट्रैक चेंज हमारा होने वाला है, हमारा स्पीड 22 में आ चुका है तो ये स्पीड बिल्कुल ठीक लगता है ना, ठीक ही लगता है ये, ठीक ही होगा ये स्पीड। देखिए सिग्नल पे दिख रहा था कि हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। अभी हम लोग है हबीबगंज के आउटर पे, धीरे धीरे हम लोग जो है ट्रैक चेंज कर रहे हैं। एक और बार ट्रैक चेंज होने वाला है हमारा, एक और बार नहीं बल्कि अभी और दो बार ट्रैक चेंज होने वाला है हमारा। वो देखिए हम लोग अभी लेफ्ट साइड के ट्रैक्स में जाने वाले हैं एंड यहाँ से दिख रहा है कि हमारा फिर से ट्रैक चेंज होने वाला है। अभी हम लोग राइट साइड के ट्रैक्स में जाने वाले हैं, एस ऊपर में वो वाइट कलर के LED लाइट जल रहे थे। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं एंड आ गए हैं हम लोग इस वीडियो के एंड में। यहाँ पे यार कितने सारे ट्रेन्स हैं ना, उस साइड में एक LHB ट्रेन खड़ी है वेब 7 के साथ, एक EMD आइडल है एंड यहाँ पे एक वेब 4 का क्रॉसिंग हो रहा है, वेब 4 एक्सप्रेस, एकदम डस्टी वेब 4 है यार, धूल से भरा हुआ यार वेब 4 है पूरा एकदम। ये देखिएगा इस पूरा धूल से भरा हुआ है वेब 4 है, कौन साफ करेगा यार इसको? आप में से कोई लेगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको साफ करने का? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताइए, फिर इसको साफ कर देना। एंड हम लोग जो एंट्री मार चुके हैं हबीबगंज स्टेशन में एंड स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग एंट्री मारे हैं। यहाँ पे इस साइड में ये ट्रेन है खड़ी है, दूर में एक लोको शेड भी नज़र आ रहा है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन करते हैं क्योंकि हमको सही जगह में इस ट्रेन को रुकवाना है। पीछे में भी मैं चेक करूँगा कि पूरा ट्रेन जैसे ही घुसे मैं तुरंत जो है इसको रोक दूँ। स्पीड को और थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ एंड अभी शायद इस ट्रेन को रोकने का वक्त आ गया है।
कि पूरा ट्रेन जो है स्टेशन में घुस चुकी है। रुको रुको रुको, जल्दी रुको, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाओ। अरे यार कर दिया ना कांड। अरे यार, यार मेरा ना यही है कि मैं कभी यार ध्यान नहीं देता हूँ ना, ड्राइविंग पे ध्यान नहीं देता हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं कैसा नौसिखिया पायलट हूँ, मेरे को कुछ ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया। बिना ट्रेनिंग के मेरे को शताब्दी एक्सप्रेस चलाने देंगे तो और क्या होगा, है ना। तो चलो थोड़ा सा ट्रेन को जो है बैक कर लेते हैं। चलो 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 वैप 5G, अब थोड़ा सा ट्रेन को धक्का लगाइए पीछे की ओर, हमको पीछे जाने का है। चलो इतना ठीक है, अभी मैं ब्रेकिंग कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। ये इतना ठीक है, अभी मैं ब्रेकिंग कर लेता हूँ। ट्रेन भी अंदर में है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्टॉपिंग हुआ अभी। ये देखो, ना ज़्यादा ना कम, पूरा परफेक्ट है एकदम। तो ठीक है गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो यार बनता ही है। एंड अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यार यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।